नमस्कार। मैं आप लोगों के समक्ष आज छावादी कवि निराला द्वारा रचित कविता तोड़ती पत्थर लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो आप यह जानते हैं, पहले ही क्लास में मैंने आप लोगों को बता चुका है कि निराला जी जो है छायावादी कवि होते हुए भी उनकी रचनाओं में प्रगतिवाद साफ साफ झलकती है। तो उनका यह कविता हमारे समाज के गरीब शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमेशा से ही शोषकों के द्वारा हमारे समाज में सताए गए हैं। तो आइए कविता की ओर बढ़ने से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातें जान लेते हैं। तो यहां जो है, हिंदी साहित्य के जगत में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का महत्वपूर्ण स्थान है। निराला जिस युग में कविता लिख रहे थे, उस समय में भारतीय समाज अनेक प्रकार के सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों से गुजर रहा था। पूंजीपति व्यवस्था द्वारा किए जा रहे शोषण को देखकर निराला बहुत बेचैन होते थे। उनकी अनेक रचनाओं में यह बेचैनी और पीड़ा झलकती है। उनकी रचना तोड़ती पत्थर संभवतः 1935 में लिखी हुई है। तब तक प्रगतिवादी आंदोलन परवान नहीं चढ़ा था, फिर भी इस कविता की प्रगतिवादी व्याख्याएं अधिक हुई है। वह तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक मर्मस्पर्शी कविता है। इस कविता में कवि निराला जी ने एक पत्थर तोड़ने वाले मजदूरनी के माध्यम से शोषित समाज के जीवन की विषमता का वर्णन किया है। कवि निराला जी कहते हैं कि मजदूर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना काम पूरी लगन एवं निष्ठा से करते हैं, फिर भी उनके मालिक जो संपन्न वर्ग के होते हैं उन पर अत्याचार करते हैं और निर्बल श्रमिक लोग स्वाभिमान से जीना जानते हैं। वे ये क्षमता भी रखते हैं कि अपने हथौड़े से इस पत्थर दिल सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दे, परंतु वे ऐसा नहीं करते हैं। निराला द्वारा रचित इस कविता का भाव सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही अद्भुत है। सड़क पर पत्थर तोड़ती एक मजदूरनी महिला का वर्णन कवि ने अत्यंत सरल शब्दों में किया है। वह मजदूर ने तपती दोपहरी में बैठे हुए पत्थर तोड़ रही है। वह एक साधारण परिवार की महिला है, लेकिन उसका आचरण एकदम सरल और शुद्ध है। इस कविता के माध्यम से कवि ने श्रमिक वर्ग और संपन्न वर्ग दो विरोधी वर्गों के चित्र खींचे हैं और यह बताया है कि एक तरफ कठिन परिस्थिति में काम करने वाला श्रमिक वर्ग है तो दूसरी तरफ सुख सुविधा संपन्न भवनों में रहने वाले लोग हैं। कवि निराला जी अपनी सहानुभूति श्रमिक वर्ग के साथ रखते हैं और शोषण करने वाले पत्थर दिल सामाजिक व्यवस्था को धिक्कारते हुए उसके खंड खंड होने की कामना करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इलाहाबाद के किसी एक सड़क किनारे मजदूरनी नारी द्वारा पत्थर तोड़ते हुए दृश्य को निराला जी ने किस मार्मिकता के साथ चित्रित किया।
प्रस्तुत कविता में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ मैंने आप लोगों के समक्ष रखूंगा, आप लोग ध्यान से सुने। एक शब्द आया है तले, तले का अर्थ होता है नीचे। इसके बाद शब्द है भर, यानी भरा हुआ। इसके बाद शब्द है नत, नत का अर्थ होता है झुका हुआ। इसके बाद है कर्मरत, यानी अपने कर्म में लगा हुआ। इसके बाद है गुरु हथौड़ा, यहां गुरु शब्द का अर्थ होगा भारी, भारी भरकम। इसके बाद है तरु मालिका अट्टालिका प्रकार, तरु मालिका का अर्थ होता है, तरु मालिका अर्थात पेड़ों की पंक्ति, एक लाइन से जो पेड़ लगे होते हैं उसे तरु मालिका कहते हैं, अर्थात पेड़ों की पंक्ति। इसके बाद शब्द है अट्टालिका, अट्टालिका अर्थ होता है ऊंचे भवन। इसके बाद है प्रकार, प्रकार का अर्थ होता है चार दीवारी। इसके बाद शब्द है दीवा, दीवा का अर्थ होता है दीन। इसके बाद शब्द है गर्द, चिंगी, गर्द और चिंगी, गर्द का अर्थ होता है धूल, धूला, चिंगी का अर्थ होता है चिंगारी। इसके बाद शब्द है छिन्नातार, छिन्नातार का अर्थ होता है किसी भी लय को छोड़कर, लय में, लय को छोड़कर अर्थात अपने काम में बाधा डालकर, तो छिन्नातार का अर्थ यह हुआ अपना काम रोककर। इसके बाद है शब्द सुधर, सुघर का अर्थ होता है सुंदर, संगठित, आप कुछ भी कह सकते हैं, तो सुघर का अर्थ हुआ सुंदर। इसके बाद शब्द है सीकर, सीकर, सीकर का अर्थ होता है आपको पसीना, पसीने की बूंद आप कह सकते हैं, तो सीकर का अर्थ यहाँ है पसीने की बूंद। लीन होते, लीन का अर्थ होता है संलग्न होता, किसी भी काम में लीन होना, तो लीन होते अर्थात यहाँ संलग्न होते हुए। तो आइए पंक्तियों के पाठ एवं व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्यामतन भर बधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। अर्थात यह प्रसंग होगा, निराला जी ने गर्मी की दोपहरी में इलाहाबाद के पथ पर एक मजदूरनी युवती को पत्थर तोड़ते देखा था, वहां वे इसी का वर्णन किया है। तो चलिए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। वह मजदूर युवती पत्थर तोड़ रही थी, मैंने उसे इलाहाबाद के एक सड़क पर देखा था। वह दोपहरी में सड़क के किनारे बैठी पत्थर तोड़ रही थी। जहां वह मजदूरनी पत्थर तोड़ रही थी, वहां पर कोई छायादार पेड़ नहीं था जिसके नीचे वह बैठकर पत्थर तोड़ सकती थी। उसका शरीर सांवले रंग के शरीर में यौवन जैसे भरा हुआ था। ऐसा जान पड़ता था कि उसके शरीर में यौवन को बांध रखा था। उस स्त्री की आंखें झुकी हुई थी और उसका मन अपने इस प्यारे काम में लगा हुआ था। वह मन लगाकर और आंखें झुकाए हुए पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। उसे अपना यह काम प्यारा था, क्योंकि यही उसकी जीविका का सहारा था। उस मजदूरनी के हाथ में भारी हथौड़ा था, वह उसी भारी हथौड़े से पत्थरों पर बार बार चोट कर रही थी।
उससे कुछ दूरी पर पेड़ों की पंक्तियां थी, अट्टालिका थी, भवनों के घिरे चार दीवारी थी जहां छायादार वृक्ष थे, अट्टालिकाएं थी, ऊंचे भवन थे, पर उसके पास कुछ नहीं था। जहां वो पत्थर तोड़ रही थी उसके इर्द गिर्द कोई छायादार वृक्ष भी नहीं था। तो कवि यहाँ दो वर्ग को अलग अलग दिखाते हैं कि एक वर्ग के पास छायादार वृक्ष है, ऊंचे ऊंचे भवन है, सारी सुख सुविधाएं हैं, बस गर्मी में इसी में बैठे हुए हैं, और दूसरा वर्ग की मजदूरनी जो है वह चहचहाते गर्मी में इलाहाबाद के पद पर बैठकर पत्थर तोड़ रही है। कैसी विडंबना है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू। लू का अर्थ होता है गर्म हवा जिसे तन जल जाती है। रुई जो जलती हुई भू गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। तो यहां प्रसंग में आप उपरोक्त पंक्तियों को जोड़ सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित तोड़ती पत्थर से दिया गया है। इन पंक्तियों में उस तोड़ती युवती का वर्णन किया गया है। आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। उस समय धूप चढ़ रही थी, अर्थात धूप तेज हो रही थी, वे गर्मियों के दिन थे, वह गर्मी का मौसम था। दिन का रूप क्रोध से भरा था, अर्थात तेज दोपहरी के कारण दिन क्रोध में भरा जान पड़ता था। उस दोपहरी में शरीर को झुलसाने वाली लू चल रही थी, धरती इस प्रकार जल रही थी जैसे रुई जलते हैं, आसपास धूल इस प्रकार उड़ रही थी जैसे आग की चिंगारियां छाई हुई हो। लगभग दोपहरी हो गई थी, दोपहर की भयंकर गर्मी के वातावरण में वह युवती पत्थर तोड़ रही थी। यह समाज की विडंबना है। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खाई रोई नहीं। तीन पंक्तियों के व्याख्या आप इस प्रकार से कर सकते हैं। उस मजदूरनी ने जब यह देखा कि निराला जी उसे देख रहे हैं तो उसने अपना पत्थर तोड़ने का क्रम रोककर उस ऊंचे और भव्य मकान की ओर देखा जिनका वह काम कर रही थी, जो उसके सामने बना हुआ था। उस मजदूरनी ने देखा कि उस भवन में कोई नहीं है, तब उसने निराला जी को इस नजर से देखा जो मार खाकर भी रोई ना हो। तात्पर्य यह है कि जिस तरह कोई मार खाकर नहीं रोता है, उसी प्रकार युवती ने निराला जी के प्रति यह भाव प्रकट किया कि वह इस परिश्रम और असुविधा से दुखी नहीं है, अर्थात अपने दुख को छुपाते हुए वह कह रहा है कि मुझे कोई दर्द नहीं है। यह समाज की विडंबना है। चलिए अगली पंक्ति को सुनते हैं। सजा सहज सितार सुनी मैंने, वह नहीं जो थी सुनी झनकार, एक क्षण के बाद वह कांप सुधर, धुलक माथे से गिरे शिखर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। तो यहां प्रसंग आप पंक्तियों की व्याख्या से पहले प्रसंग जोड़ सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां निराला द्वारा रचित कविता तोड़ती पत्थर से ली गई है।
यहाँ इन पंक्तियों में युवती के भाव को देखकर निराला जी पर जो प्रतिक्रिया हुई उसी का वर्णन यहाँ निराला जी कर रहे हैं। तो चलिए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। निराला जी को ऐसा लगा मानो वह युवती सुशोभित और स्वाभाविक सितार के समान है। उसका स्वर, उसकी बात निराला जी को स्वाभाविक रूप से कसे हुए सितार के समान प्रतीत होती हुई निराला जी ने उसकी कसे हुए सितार की झंकार के समान आवाज सुनी तो उन्हें ऐसा लगा कि मैंने ऐसी झंकार इससे पहले कभी नहीं सुनी। उस मजदूरनी की आवाज सितार की मधुर झंकार के समान थी। एक क्षण अर्थात थोड़ी देर के बाद वह सुंदर युवती कांपी, इससे उसके माथे से पसीने की बूंदे लुढ़क कर धरती पर गिर गई। जैसे वह निराला जी को देखती है वह सहम जाती है, और जैसे सहम कर थोड़ी हिलती है उनके सर से उसके माथे से पसीने की बूंद जो है वह धरती पर गिर जाती है। उसके बाद उसने अपने पत्थर तोड़ने के काम में तल्लीन होते हुए मानो यह कहा कि मैं पत्थर तोड़ती हूँ, अर्थात वह कहती है कि मेरा काम ही यही है, मेरा काम पत्थर तोड़ना है। इस पत्थर तोड़ने के दरमियान ही मुझे जो मिलता है उससे मेरा भरण पोषण होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से निराला जी ने समाज के उन शोषकों की छवि को हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि एक बेसहाय दलित कमजोर युवती उस तहतहाते गर्मी में, लू मारते गर्मी में बैठकर पत्थर तोड़ रही है रास्ते में, और दूसरा वर्ग शोषक का जो एसी भरे कमरे में अपना जीवन यापन करते हैं। तो यह कैसी विडंबना है, समाज का यह कैसा दोहरापन नीति है जिसमें एक वर्ग के पास सभी सुख सुविधाएं मौजूद है और दूसरों के पास कुछ नहीं। वे रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, अगर किसी कारणवश एक दिन का काम नहीं होता है उनके द्वारा तो उसे भूखे पेट सोना पड़ता है। ऐसे हमारे समाज की परिस्थिति है। इस प्रकार से विद्रोही भाव के साथ निराला जी ने समाज को प्रतिबंध कहे तो समाज को, समाज का प्रतिबिंब दिखाने की चेष्टा की है कि यह कैसा समाज है जहां एक मजदूर ने इलाहाबाद के पथ पर बैठी पत्थर तोड़ रही है, अपने जिन को जीवन को किसी प्रकार से काट रही है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा। आज के लिए इतना ही।